जिसका टाइटल है, लेकिन गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो में न्यू हो गए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो गए तो भी गाइस आप लोग लाइक करो एंड ज्यादा शेयर करो ताकि हम कपल को आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिले। तो स्टार्ट करें बेबी। इकबाल कहता है, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे, दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, फकर की सान चढ़ा के तुझे तलवार करे, मौत के आईने में दिखला के रुखे दोस्त तेरे लिए जिंदगी और भी दुश्वार करे, फितनाए मिल्लते बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। हुजूर की खिदमत में एक शख्स हाजिर होता है, परस करता है, इन्नी उहिब्बो का हुजूर, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तिब्रानी ने अपनी मौजम में इस रिवायत को लिखा, हुजूर ने फरमाया सोच ले क्या बोल रहा है, उसने कहा इन्नी उहिब्बो का, मैं आपसे प्यार करता हूँ, फरमाया फिर सोच ले, उसने कहा हुजूर मैं आपसे प्यार करता हूँ, फरमाया फस्तईद लिल फाकह, अगर मुझसे प्यार करते हो फिर दुखों के लिए तैयार हो जाओ, जो सीस तली पे धर न सके वो प्रेम नगर में आए क्यों, यार इस्लाम की कीमत इतनी थोड़ी नहीं है, इस्लाम तो कभी सर मांगता है कभी करबला मांगता है, इस्लाम कीमती दौलत है कीमती मता है, इतना सस्ता सौदा नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, तुम समझते हो जन्नत में यूं ही चले जाओगे, तुमसे कबल लोगों को झंझोड़ा गया और उन्हें पीस के रख दिया गया, हत्ता के वक्त के नबी भी पुकार उठे कि मालिक तेरी मदद कब आएगी, फिर हमने कहा बस मेरी मदद आया जाने, अजियतें दुख मसाइब आलाम किन किन तकलीफों से लोग नहीं गुजरे। इमाम गाजी ने लिखा है मक्के से लेके ताइफ तक 70 ऐसे नबियों की कब्रें हैं जिनकी वफात सिर्फ भूख की वजह से हुई है, सहाबा की जिंदगियां देखें। आज तो हम दीन के कहने पे कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, डॉक्टर कह दे तो चीनी छोड़ देते हैं, डॉक्टर कह दे तो नमक छोड़ देते हैं, डॉक्टर कह दे तो हम मुरक्कन गजाएं छोड़ देते हैं। वो एक बड़ा पाकिस्तान का वीर तरीन शख्स है, उसका एक इंटरव्यू लगा था किसी टीवी चैनल पे, तो वो कहता मैं 2-3 तोस और जो है वो 1-2 अंडा लेता हूँ दिन का, बस यही, खरबों पति लेकिन मकसूम यही। डॉक्टर ने कह दिया सब कुछ छोड़ दिया, डॉक्टर कहे तो चीनी भी छोड़ दें, डॉक्टर कहे तो घी भी छोड़ दें, रब कहे तो कुछ भी ना छोड़े। वमा कदरुल्लाह हक्का कदर ही, अल्लाह की कदर का लोगों ने हक ही ना जाना, तो फिर दीन इतना ही बेतौकीर है इतना ही बेकीमत है, को डॉक्टर के कहने पे छोड़ दो रब के कहने पे ना छोड़ो, ये कैसे हो सकता है। तो जब तुम उसके हो जाओगे, तेरे हुंदिया सुंदिया महबूबा मैं काफिर हुआ जे मैं हुआ, जब अपना आप मिटाओगे तो फिर देखो। इकबाल कहता है ना कि जब शिकवे की जुबान खोलता है उस वक्त कहता है कि बर्फ गिरती है तो मुसलमान के काशाना पे, और औरों के लिए हूर कसूर, मोमिन के लिए फकत वादा हूर, तो फिर जवाब आता है कि तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं, को हो तो सही कोई वो जज्बे लेकर के आए कुछ सब कुछ बर्बाद कर देने के लिए, सब कुछ छोड़ देने के लिए आमादा तो हो। अगर बदर में 313 लोगों को रब ने फतेह का ताज पहनाया और उस दिन को मेरे रब ने योम फुरकान कह के पुकारा, तो जरा देखो तो सही, ये सारे घर बार नहीं छोड़ के आ गए थे, बच्चे छोड़ आए, बीवियां छोड़ आए, माँ बाप छोड़ आए, वो लोग थे जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। उस शख्स की कहानी भी नहीं भूल सकते हम जो बदर के मौके पे खजूरें खा रहा था और खजूरों की गुठलियां दूसरी जेब में डाल रहा था, तो हुजूर ने फरमाया उठो उठो उस जन्नत के लिए जिसकी चौड़ाई जमीनों आसमान से ज्यादा है, तो उसने कहा कि अर्ज़ु हस्समावात वल अर्ज़, जमीनों आसमान से ज्यादा, हुजूर ने फरमाया हाँ, उसने कहा फिर मेरे और जन्नत के दरमियान ये खजूरें हायल हो रही है, खजूरें फेंकी और मैदान अमल में कूद पड़ा, लोगों ने उठाया तो उसकी लाश पे इतने जख्म से तक पहचाना नहीं जा रहा था। तो राह हक में लोगों ने सब कुछ लुटा दिया, लोगों ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, और हम अल्लाह उसके रसूल के कहने पे हराम चीजें ना छोड़ सके और फिर कहें कि हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें क्यों नहीं बरसती, अल्लाह की करम नवाजियां हमारे ऊपर क्यों नहीं होती। तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं, तुम उस तरह बन के तो आओ
उस तरह आओ तो सही, आंखें खोल के अपनी जिंदगी का जायजा लो कि हम किस जगह पे खड़े हैं। तो ये था गाइस बयान, इनके जो गाइस बयान रहते हैं लाइफ चेंजिंग बयान रहते हैं, बहुत ही मैं इनको फॉलो करता हूँ गाइस, इनके एक एक बयान सुनता हूँ, बहुत ही अच्छे, आप लोग भी सुनना गाइस, अगर जो पहली बार हमारे वीडियो के थ्रू अगर आप लोग इनके बयान सुन रहे होगा तो जरूर गाइस इस वीडियो को पूरा देखना और इनको फॉलो करना गाइस, देखना इनके बयान बहुत ही प्यारे लगेंगे आप लोगों को। और गाइस ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो को, जाके वहां पर भी प्यारे सपोर्ट दिखा देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू।